अरे 400 पार करना है या नहीं? जोर से बोले, माता बहने भी बोले, 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है ना? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में बैठ जाइए भैया। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, लोकसभा प्रभारी श्री राजीव जैन जी, श्री अरविंद यादव, लोकसभा समन्वयक श्री लक्ष्मण यादव, विधायक जी बाबा बालकनाथ जी, हमारे बहुत बड़े पीठ के अध्यक्ष है बाबा जी, जरा प्रणाम, सब ताली बजाओ बाबा के लिए। पूर्व मंत्री बहन कांता देवी जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, राव नरवीर सिंह जी, विपुल गोयल जी, नरेश कौशिक जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद, आगे आओ अरविंद भाई, आगे आओ, ए अरविंद जी आगे आओ, ताली बजाओ अरविंद जी के लिए जोर से। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं भीमेश्वरी देवी, प्रसादगिरी, काशीगिरी, जटिला धाम और सूडानी स्थान, ये सभी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब लाला लाजपत राय, महान किसान नेता छोटू राम जी, पंडित श्रीराम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर मंगल सेन को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज छठे फेज का चुनाव चल रहा है, पांचवें फेज का चुनाव चल रहा है, आपको छठे में वोट डालना है, परंतु जो चार चुनाव समाप्त हो गए, मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व सब जगह घूमता 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 अंत में झज्जर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है परिणाम? देखो भाई, चार चरण में मोदी जी 270 पार कर सरकार बना चुके हैं। अब आज पांचवा है, आपका छठा है और सातवां है, उसने 400 पार कराना है, 400 पार। मगर मोदी जी की लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मोदी जी की लड़ाई जो परिवारवाद के खिलाफ है, वो लड़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक रोहतक में कमल खिलाने का काम आप नहीं करते। भाइयों बहनों, ये 400 पार का जो लड़ाई है, हम तो 400 पार करने वाले हैं आपके आशीर्वाद से, मगर ये राहुल बाबा है ना? अरे क्यों हंस रहे हो भाई, बड़े नेता है कांग्रेस के, ये जो राहुल बाबा है ना, उनकी 40 भी पार नहीं होने वाली है, मेरी बात लिख।
और फिर से एक बार हरियाणा में सभी की सभी सीटों पर उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले ये इंडी अलायंस है, एक और ये 12 लाख के घपले घोटाले करने वाले इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, एक और थोड़ा ही गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है। मेरी बात याद रखना, 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं। एक और हर 6 महीना विदेश में छुट्टी करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देकर एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण छीनने का प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज जज्जर की इस पवित्र भूमि पर कह कर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये आरक्षण किसका कम हुआ? ओबीसी का कम हुआ, पिछड़ा वर्ग का कम हुआ। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, राहुल गांधी जी ने इस इलेक्शन की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, इलेक्शन का अंत कांग्रेस ढूंढो यात्रा से करना पड़ेगा। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ती। भाइयों बहनों, सिरसा से सोनेपत तक और पंचकुला से पलवल तक मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। मैं आज यहां पर आया हूं तब मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपके गमंडिया गठबंधन का नेता कौन है वो बताओ जरा, नेता कौन है? हमारा तो नेता तय है, एनडीए और बीजेपी बहुमत में आते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तय है। आपका नेता कौन है आप बता सकते हो? झज्जर वालों, इनका नेता कौन है? चलो भैया, मैं एक 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 कर पूछता हूं। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत। हाँ, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार, राहुल बाबा भी नहीं। भाई एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल 5 लोग बनेंगे। बोले मुझे बताओ जज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, ये संगीत कुर्सी खेलने निकले हैं। मैं उनको पूछता हूं, ये 5 साल के प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? मुझे बताओ, कोरोना जैसा महामारी आया कौन बचा सकता है?
चंद्रयान कौन भेज सकता है? भाइयों बहनों, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जवाब ठीक से है, मोदी 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 मोदी। झज्जर वालों मुझे बताओ, ये हमारा जो हरियाणा है इसमें तीन विशेषताएं हैं। एक, हरियाणा में फौजियों, हमारे बेटों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बेटों को फौज में भर कर रखा है। आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है क्योंकि मेरा हरियाणा का जवान सीमा पर पाकिस्तान का सामना कर रहा है। दूसरा, खेल कहां पर भी खेला जाए, नेशनल खेला जाए, इंटरनेशनल खेला जाए, देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा मेडल लाने वाला मेरा हरियाणा का धाकड़ होता है, धाकड़ होता है। और तीसरा, देश आज अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तो इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है, किसान है। भाइयों बहनों, ये तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचिज लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में। और मोदी जी ने MSP पर लगभग लगभग 12 लाख करोड़ रुपया, एक कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12 लाख करोड़ का गेहूं धान खरीदी थी। कितना क्या खरीदी थी भाई, बोलो तो? 12 लाख करोड़, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,20,000 करोड़ का धान खरीदने का काम। भाइयों बहनों, ये सोनिया जी अपने बेटे को PM बनाना चाहती है और हुडा जी अपने बेटे को CM बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ, केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और साथ में कोरोना का टीका भी लगाया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, झज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खरगे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खरगे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो? झज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास एटम बम है, भारत को डरा रहे हैं। अरे राहुल बाबा, मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं,
नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बॉम्ब से नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। मैं आज इस जज्जर की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक धारा 370 को नहीं हटाई, मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। और अंत में मुझे बताओ जज्जर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया, जय श्री राम। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, इसी क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम हुए हैं, 12 एक्सप्रेसवे बनाए, 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, रेवाड़ी में एम्स बना, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन जज्जर में स्थापित किया, 2000 करोड़ से बड़सा गांव में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 24 करोड़ से जज्जर जिले में सबसे बड़ा बस स्टेशन बनाया और ढेर सारे लोगों को हमने घर, बिजली, पानी ये सब देने का काम किया है। और मोदी जी ने 10 साल के अंदर 2,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, हुडा जी का पूरा ध्यान अपने बेटे में, उनका ध्यान हरियाणा के विकास में नहीं। ये हमारे अरविंद जी है ना, ये देखने में दुबले पतले लगते हैं, मगर जब रोहतक की विकास की बात आती है, अच्छे अच्छे से झगड़ा कर आपका काम कराने वाला आदमी है। बड़े घर के बेटे को जिताओगे ना तो घर पे नहीं आएगा, मिलने नहीं आएगा, गांव में नहीं आएगा। अरविंद भाई को जिताओगे, पान की दुकान पर आपको हाथ में मिल जाएगा। मुझे बताओ, अरविंद शर्मा को जिताओगे क्या? जोर से बोलो जरा, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, अरविंद जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति का प्रतीक गदा जो है पूरे झज्जर जिले की तरफ से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, अरविंद शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें आप सब की तरफ से।